चूड़ियाँ, कंगन, झुमके, बिंदी, ये सब तो करते हैं हमारे नवरात्रि लुक को पूरा। और यहाँ आ चुकी है हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन लेकर एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़, और कर रही है हमारे शो सास बहू और बेटिया को पूरा। तो चलिए हो जाइए फटाफट इस पर सवार। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अलग होते हुए नजर आ रहे हैं अक्षरा अभिमन्यु के रास्ते। अभिमन्यु की नाराजगी ने अक्षरा का दिल तोड़ दिया है और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। अक्षरा को हॉस्पिटल में देखकर ही मैं समझ गई थी कि आज वो कुछ ना कुछ बड़ा तमाशा करने वाली है। भाई, मैं आपके और भाभी के बीच में इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि वो गलत होगा, लेकिन अगर मैं अभी भी नहीं बोला तो ये भी मुझे गलत ही फील हो रहा है। एक तरफ जहां अभिमन्यु के घर वाले अक्षरा के खिलाफ हैं, तो वहीं पहली बार हर्षवर्धन ने अक्षरा का साथ दिया है। अक्षरा ने जो पिछले एक साल में किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तुम्हें लग रहा है जो अक्षरा ने किया वो सही है, तुम उसकी साइड ले रहे हो? मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ भाभी, जो है। और वो अभिमन्यु के सामने अक्षरा का गुणगान कर रहे हैं। और क्यों कह रहे हो? ट्रस्ट भी कोई चीज होती है कि नहीं? और अक्षरा को तो त्याग करने का इतना शौक है कि पता चले अभिमन्यु को ही त्याग दिया अभिमन्यु के लिए। उसके घर वालों को उसे समझाना चाहिए था। एग्जैक्टली। शादी में हर डिसीजन हस्बैंड वाइफ मिलके लेते हैं, तो वो कैसे एक साल के लिए अभिमन्यु को अकेला छोड़ के भाग गई? वरना मेरे भाई साहब और कैरव जेल में नहीं होते, लेकिन उन्हें किसी चीज की वैल्यू नहीं है। अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं, और वो अभिमन्यु उसे अपने गुस्से में कुछ समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है। वहीं दूसरी ओर अक्षरा के घर वाले भी अभिमन्यु के घर वालों से नाराज हैं, और वो अक्षरा के सामने ही अक्षरा के ससुराल वालों के बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। क्या कल घास चरने गई है? और गई होगी। मेरे भाई साहब और कैरव वो जेल में नहीं होता था। अभिमन्यु को उसकी गलती रियलाइज करनी ही होगी। जिस गुस्से से उसने अक्षरा को जाने के लिए कहा है ना, देखना खुद चल के आएगा सॉरी बोलने। आप लोग नोट कर लीजिए मेरी बात, अगर उसके अंदर अक्कल होगी तो जरूर आएगा बोलने वो। बस मुझे ना ये उम्मीद है कि वो अपनी गलती रियलाइज करेगा या मुझे सॉरी बोलेगा। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हमारी बच्ची ने जो उनके पूरे परिवार के समझ से बड़ी है, लेकिन उन्हें किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है लोग, और वो अभिमन्यु गुस्से में कुछ भी कह सकता है। अरे कोई तो होगा बड़ा जो उसे समझा सकता हो, जो उसे बात कर सकता हो। नहीं, सबकी अकल घास चले गई है और कही होगी, वरना मेरे भाई साहब और कैरव जेल में नहीं होते।